गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपको एयरलाइन पायलट इन इंडिया में आपको कैसे बनना है, तो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। मेरा नाम खुशबू मेहता है और मैं एयरक्राफ्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में HR मैनेजर हूँ। तो मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी, जैसे कि अभी ये कुछ एजेंडा है, जैसे कि लीजेंडरी पायलट्स ऑफ द वर्ल्ड, अ गाइड टू बिकम अ पायलट, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ पायलट फॉर इंडियन एयरफोर्स, फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ट्रेनिंग एंड स्टडी इन इंडिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर बिकमिंग अ पायलट, फ्लाइंग इज नॉट इनाफ, फ्लाइंग इज प्रोफेशन, करियर रिक्वायरमेंट टू बिकम अ पायलट, देर आर डिफरेंट एग्जाम्स यू कैन अपियर फॉर डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन। फिर लाइक 12th के बाद में आपको NDE एग्जाम देना होगा। आफ्टर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर बिकमिंग अ पायलट, सम यूनिक स्किल्स एंड एयरलाइन पायलट मस्ट हैव। तो ये कुछ एजेंडा है जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो अभी आप कैसे एयरलाइन पायलट बनना चाहेंगे, आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा? जैसे कि ये हमारे कुछ लीजेंडरी पायलट्स हैं हमारे वर्ल्ड के, जो कि लाइक एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स हैं, जो स्पेस में जाके आ चुके हैं। फिर आपको पायलट बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जैसे कि फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी SSC या फिर HSC होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स होनी चाहिए। एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वेरी हाई फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस होना चाहिए। देर आर डिफ दिस आर द ये जो स्टैंडर्ड्स है इंडियन एयरफोर्स ने डिफाइन किए हैं। फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी, ताकि इसमें आपको इस अगर आपको इसमें क्वालिफाई होना है तो फॉर लाइक बेसिक एयरमैन ट्रेनिंग के लिए विथ इंडियन एयरफोर्स। एंड फिर फॉर प्राइवेट पायलट के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन SSC और HSC होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 18 इयर्स होनी चाहिए। एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। लेवल टू मेडिकल एंड मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए एट सम प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल। तो ये सब क्वालिफिकेशन उसके लिए है जिन्हें प्राइवेट पायलट में जाना हो। फिर जैसे कि पायलट ट्रेनिंग एंड स्टडी इन इंडिया, फर्स्ट इज बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, सेकेंड जो है वो IGIA, थर्ड GATI, फोर्थ कार्वर एविएशन एंड लास्ट इज अहमदाबाद एविएशन एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये कुछ लाइक पायलट ट्रेनिंग है एंड स्टडीज है इन इंडिया। देन जैसे कि हर एक कंट्री में द नॉलेज ऑफ हैंडलिंग ऑन एयरक्राफ्ट इज इनसफिशियंट टू क्वालिफाई एज अ पायलट। तो ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, लाइक सम रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग जो आपको चाहिए होगी। जैसे कि फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट रेटिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप लर्न करेंगे अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। देन सेकेंड जो है वो है इंस्ट्रूमेंट चेक ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एन एडवांस कोर्स दैट यहाँ पे एक एडवांस कोर्स होगा जो आपको समझाएगा, जैसे कि हाउ टू चेक वेरियस ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियल टू फ्लाइट। जैसे कि फिर थर्ड है मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बडिंग पायलट्स आर ट्रेन, यहाँ पे बडिंग पायलट्स को हम ट्रेन करते हैं, जैसे कि ऑन हाउ टू मैनेज फ्लाइंग इन वेरियस वेदर कंडीशन। यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि आपको कैसे आपको फ्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको ये भी समझाया जाएगा। लास्ट में नॉन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है वो ली जाएगी बाय हेलीकॉप्टर पायलट। फिर आता है जैसे कि फ्लाइंग एज अ प्रोफेशन। ऑब्सेशन टू फ्लाई ग्रू स्ट्रॉन्गर अमंग ह्यूमन पोस्ट December 17, 1903 आफ्टर ऑरविल एंड विल्बुर राइट मेड देयर फर्स्ट मैकेनाइज फ्लाइट एट किल डेविल्स हिल नियर डेटन ओयो। जो सेकेंड देयर प्रिमिटिव फ्लाइट ऑफ अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स लेड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एविएशन। थर्ड
Third, thanks to advances in various fields, it is now possible to take lessons at flying schools to become a pilot. Then, flying is very lucrative profession in most countries. Commercial piloting ranks among the highest paid professions of the world. तो जो commercial piloting ranks हैं, वो highest paid professions हैं around the world. Pilots are responsible for ferrying hundreds of passengers between two distant locations. So यहाँ पे pilots responsible होते हैं for ferrying hundreds of passengers between two distant locations. Modern day pilots require multitude of skills, proficiency in math. So जो modern pilots हैं, उन्हें multitude skills होनी चाहिए, ये एक requirement है. Proficiency होनी चाहिए math and physics में. Superior physical and mental fitness होना चाहिए. Alert mind and ability होना चाहिए to respond instantaneously to crisis. ये कुछ talents हैं जो कि pilot में होने चाहिए. And these skills apply to all pilots. ये जो skills है वो हर एक pilot में होनी चाहिए without exception. फिर ये जैसे कि कुछ exams होती हैं जो आप appear कर सकते हैं अगर आपको pilot बनना हो, and वो आपके education के ऊपर depend करेगा कि आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं. आपको हमेशा आपकी जर्नी पे फोकस करना है और ना कि डेस्टिनेशन के ऊपर. फिर ये कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं. फिर ये कुछ यूनिक स्किल्स हैं एंड एयरलाइन पायलट मस्ट है. तो ये कुछ यूनिक स्किल्स हैं जो कि पायलट में होनी चाहिए, जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, गुड आईसाइट होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, गुड आईक्यू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, एंड फिजिकली फिट होना चाहिए. तो ये कुछ यूनिक स्किल्स होना चाहिए एयरलाइन पायलट पे. सो ये मेरी तरफ से था एज अ गाइडेंस टू बिकम अ पायलट. थैंक यू सो मच.